सीतापुर उत्तर प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बुधवार देर शाम सीतापुर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के नामांकन में शामिल होने के बाद वापस लखनऊ जाते समय सीतापुर जिला कार्यालय पहुंचे। जिला कार्यालय पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा पार्टी पदाधिकारियों व भाजपा नेताओं के साथ भव्य स्वागत कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी गयी। तदुपरांत मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया तथा भाजपा के जीत के लिए मंत्र भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की तिथि को बहुत कम समय बचा है, ऐसे में सभी को अपनी संपूर्ण ऊर्जा चुनाव विजय के लिए लगा देनी है और सीतापुर के सभी पदाधिकारियों को सीतापुर जिले से जुड़ी चारों लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक विजय के साथ कमल खिलाना है। वहीं जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे नेता स्वतंत्र देव सिंह का मार्गदर्शन आज हम सबको प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अपने नेता को विश्वास दिलाते हैं कि सभी पदाधिकारी अपनी ऊर्जा के साथ पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और स्वतंत्र देव के निर्देशों के अनुसार जिले के पदाधिकारी अपने जिले से जुड़े चारों प्रत्याशियों को प्रचंड विजय दिलाएंगे। पार्टी में कहीं न कहीं दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं, चाहे रामपुर हो चाहे मुरादाबाद। रामपुर में भी दो नामांकन हो गए और सीतापुर में जेल में बंद आजम खान काफी नाराज हो गए हैं अखिलेश यादव से। क्या क्या देखिए, सरकार बनाने जो हम जनता की सेवा करें और एकाग्र चित्त होकर जनता की सेवा करें। आपने 70 साल का कांग्रेस का इतिहास देखा है और 14 के पहले कांग्रेस की स्थिति आपने देश के अंदर स्वयं देखा कि हर जगह बम फटते थे और हमारा देश पाकिस्तान के बराबर गिना जाता। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 14 के बाद देश आज नंबर एक पर गिना जाता है और ऐसे करोड़ों लोगों का जिनके पास अपना शौचालय नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था, राशन कार्ड नहीं थे, करोड़ों लोगों का अपना आज आयुष्मान का कार्ड है, 5 लाख का अपना आवास है, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन है, ऐसी बहुत सी सुविधाएँ। आप सड़कों का जाल देख रहे हैं राज्य के अंदर 4-6 लेन का, तो गरीब सेवा के लिए और 14 के 17 के पहले उत्तर प्रदेश को आपने देखा है, सपा बसपा कांग्रेस, इसलिए तीनों की चर्चा करने का कोई लाभ भी नहीं है ना फायदा है, क्योंकि जब जब इनकी सरकार बनी है जनता को लुटा है। 5 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था, 24 घंटा लाइट नहीं आती थी, खाट पर बैठ लोकर पंखा हिलाया करते थे। आज राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा है और आप देख रहे हैं उसका एक खुशहाली के आगे बढ़ रहा है। इस चुनाव को जनता जनार्दन स्वयं आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही और मोदी जी के लिए चुनाव लड़ रही और कार्यकर्ता का वहाँ का परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण हम एक तरफा 80 सीट जीतेंगे और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनेंगे और गरीबों की सेवा।